चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बकरे के पाए बनाने का तरीका समझाऊंगी कि किस तरह मजेदार और जायकेदार जो है वो पाए बनाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पाए बनाने के लिए हमें कौन से मसाले और अज़ा जो है दरकार है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक बर्तन में 8 बकरे के पाए ले लिया और उसको कट करवा लिया। अच्छा, आप इसको खुद से लेकर भी साफ कर सकते हैं। वैसे मैंने मार्केट से ऐसे ही लिए हैं, ये साफ बने बनाए पाए होते हैं। इसके साथ मैंने ये 5 से 6 दरमियानी साइज की प्याज ली है जिसको हमने ये लच्छेदार कट कर लिया, 4 से 5 साबुत सब्ज मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच सुर्ख मिर्च के, वैसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, 2 चम्मच नमक, नमक हसबे जायका, 1 चम्मच के करीब साबुत गरम मसाला, आप चाहें तो पिसा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अभी मैं साबुत डालूंगी। एंड पर गार्निश करने के लिए हल्का सा मैं चुटकी भर पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करूंगी, और इसके साथ साबुत धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, और ये 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए अब देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। अब ये देखें, इसको मैं करती हूं साइड पर। ये सबसे पहले आप देख लें कि मैंने जो प्रेशर कुकर है वो आधे से ज्यादा भर लिया, तकरीबन ये हाफ प्रेशर कुकर है जिसको मैंने पानी से भर लिया। अब मैं इसके अंदर जो है ये सारे पाए ऐड करूंगी। ये मैंने पानी डालने के बाद इसके अंदर पाए ऐड कर दिए। इसके बाद ये कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, और आखिर में हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। अब मैं इसको बंद करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको वेट लगाऊंगी। चलिए अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखते हैं। ये देखें जी, इसको अब हमने पकने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। तकरीबन हम इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद हम खोलकर चेक करेंगे कि पाए गले हैं या नहीं। अब इसका पानी खुशक करते हैं, पावे क्योंकि गल चुके हैं। अब पानी खुशक होने के बाद हम इसमें ऑयल डालकर इसको भूनेंगे खूब अच्छी तरह। पानी खुशक हो चुका है, अब मैं इसे खुले बर्तन में डालने लगी भूनने के लिए। डेढ़ कप मैंने ऑयल का इसमें डाला है क्योंकि पाओ ने भी काफी रोगन छोड़ा है। अब मैं इसको भूनती जाऊंगी। ये देखें, अब मैंने इस तरह एक हरी मिर्च लेकर उसको एक लंबा कट लगाया और उसके एक बार आप फिर एक और कट लगा लें। इस तरह से आपने सारी मिर्चों को जो है वो सेंटर से कट करते जाना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे जो मिर्चों का जायका है वो बरकरार रहेगा और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका सालन में। ये इस तरह फली की तरह ये चार, ये देखें इस तरह इसको। अब इसी तरह आपने सारी मिर्चें काट लेनी है और अब मैं इसको खंडिया में डालूंगी। अब हम इसको सालन में ऐड करेंगे।
और इसको साथ साथ भूनते जाएंगे जब तक अच्छे से घी न छोड़ दे। जब ये भुनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा घी छोड़ देगा तो हम इसमें हसबे जरूरत पानी शामिल करके शोरबा तैयार कर लेंगे। लीजिए हमने सालन को डिश आउट कर लिया है। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको कमेंट करें और वीडियो अच्छी तरह भून चुका है। आप जाने से पहले आपको एक बात बताऊं कि हमने एक न्यू चैनल वी लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया पानी है, लेवल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आप ये लिंक देख सकते हैं। इसको भी उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह आपने हमारे पानी किया। थैंक यू अल्लाह। हम ऐसे 10 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे उतार लूंगी और डिश आउट करूंगी। सालन को मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि हमने राना अदील अहमद के नाम से एक न्यू वी लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट में भी आप ये लिंक देख सकते हैं। जिस तरह आपने हमारे बाकी तमाम चैनल्स को सपोर्ट किया उसी तरह हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।